एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत और आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे, बिकॉज कोरोना वायरस के बाद अब इंडिया के अंदर एक और वायरस आ चुका है जिसका नाम है आपका बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू को बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि वो सिर्फ बर्ड्स के अंदर होता है, बट ऐसा नहीं है। बर्ड्स के साथ वो ह्यूमन बॉडी को भी बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड करता है, एंड हाँ, ये डेडली वायरस भी है। मैं किसी को डरा नहीं रहा, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस चीज़ से अवेयर हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि बर्ड फ्लू एक्चुअली में होता क्या है और वो क्या सिर्फ बर्ड्स के अंदर होता है, क्या ह्यूमन बॉडी में भी होता है। लास्ट टाइम 2016 में केरला में भी बर्ड फ्लू के बहुत सारे केसेस आए थे, और उसके बाद अब 2021 में जनवरी में फर्स्ट या सेकेंड जनवरी को इंडिया के अंदर वापस से इसके केसेस बहुत सारे केरला के अंदर देखे गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे डक्स मर चुकी हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी बर्ड्स की मरने की खबरें आई जा रही हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब चिकन, फिश, एग्स, इन सबको अवॉइड करें और जितना हो सके अपने प्रोटीन के सोर्सेज चेंज कर लें। पनीर, टोफू, सोया चंक वगैरह, इन सब पे आप जा सकते हैं एंड आप उनसे अपने प्रोटीन के सोर्सेज या अपने प्रोटीन की जो कंजप्शन है उसे लें। वैसे अभी तक एक भी ह्यूमन पॉजिटिव नहीं पाया गया एवियन इन्फ्लुएंजा से, बट जो ये वायरस है अब की बार जो इंडिया के अंदर आया वो है H5N1, जो कि वाइल्ड बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, एंड हमें चांस नहीं लेना है, आफ्टरऑल हमारी बॉडी का सवाल है। सो मैं चाहता हूँ कि आप चिकन, अंडे और फिश को अवॉइड करें जब तक ये चीज खत्म नहीं होती है। फिश, बिकॉज जो डक है वो भी पानी के अंदर ही थी और जो फिशेज भी हैं वो भी पानी के अंदर होगी, तो वाटर भी पॉल्यूटेड हो सकता है इस वायरस से। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फिश को भी अवॉइड करें। कई स्टेट्स में गवर्नमेंट ने ये बैन भी कर दिया है कुछ टाइम के लिए चिकन वगैरह। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके स्टेट के अंदर ऐसा कोई सीन है कि वायरस है, अगर कोई भी केसेस आपको दिख रहे हैं, तो आप चिकन वगैरह को अवॉइड करें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू।